एक्चुअली सिर्फ एक्स की बात हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा एक्स डाल के वीडियो को शुरू किया जाए। करना पड़ता है, करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज का सीन कुछ यूं है कि आई विल बी ड्राइविंग दिस सिविक एक्स जब तक इसका पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 65 किलोमीटर की इसकी रेंज शो हो रही है। सबसे पहले उसको मैं जीरो तक लेके जाऊंगा, और जब जीरो किलोमीटर रेंज शो करेगी ये सिविक एक्स, ये उसके बाद मजीद कितना चलेगी हम वो मीटर ज़ीरो करके देखेंगे, और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये तड़प तड़प के सिसक सिसक के इसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म ना हो जाए। और ऑफिशियली टाइम में तभी शुरू होता है, मगर जब ये 67 किलोमीटर तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर रह जाएंगे तो फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कार्स के ऊपर किए हुए हैं। अगर आप बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आखिर में भी प्लेलिस्ट शो होगी जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली होगी, और अभी भी ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ऊपर चल रही होगी। इसको क्लिक करके आप वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं जो मैंने किए हैं। अच्छा जी, अभी 46 किलोमीटर रह गए हैं और वो पेट्रोल की लाइट आ गई है। ठीक है, हम वैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल ज़ीरो कर लेते हैं, सही है, और जब ये रेंज ज़ीरो होगी तब भी हम जो ट्रिप बी होगा, जो कि ये वाला ट्रिप होगा ट्रिप बी, इसको हम तब ज़ीरो करेंगे जब रेंज हमारी ज़ीरो होगी। रोड से उतर के यहाँ पे मैंने किचन कुजीन से ये सैंडविच उठाया है, ढाबे से चाय उठाई है, पानी लिया है। मैंने कहा यार थोड़ा सा ना चिल करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वरना हमेशा मुझे घर जाने की जल्दी होती है कि नाश्ता करना है, तैयार होना है। आज बिल्कुल आराम से चिल माहौल में अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाय द वे, ये रेंज ख़त्म करने के लिए ना मैंने इकोनॉमी मोड नहीं दबाया हुआ, ठीक है, मगर जो ही रेंज ज़ीरो किलोमीटर हो जाएगी तो यहाँ पे इकोनॉमी का बटन होता है, जो अभी मैं दबाऊंगा तो ये पत्ता बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इकोनॉमी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करूँगा। अभी मैं विदाउट इकोनॉमी कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेंज को मुकाना चाहता हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट होगा विद एसी का एक्सपेरिमेंट होगा। और लगे हाथ मैं आप लोगों को दिखाता चलूं, सर ये गाड़ी रोक के दिखानी पड़ेगी, एक चीज़ मैं दिखाता हूं। ये पेट्रोल का कंटेनर आया है मेरा यूके से, मेरे भाई ने भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही कमाल और चिकना सा है, ठीक है, ये स्टेबल है, कहीं भी रख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जब ये खुलता है, ये चेक करें, कंटेनर है रिजर्व के लिए जो मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो भाई ने भेजा, भाईजान ने, लव यू भाईजान, हर कोई बोले भरे भाई जिंदाबाद। अच्छा जी, ये ऐसा करके सीधा इसमें लग जाता है, ठीक है, अब ये पूरा फिक्स हो गया है। अब इसमें से पेट्रोल डालना हो तो सीधा मैं डाल सकता हूँ। कुरैशी फार्म हाउस है जो इस एरिया को पहचानते हैं, सोचा थोड़ा सा बताता चलूँ कि वाकई भाई मैं अपने एरिया से उठ के इस एरिया में आ चुका हूँ। और हाँ, इनफैक्ट शुक्र है, ये मेरे पास नवाज शरीफ इंटरचेंज की पर्ची भी है 742 की, जस्ट टू शो यू कि ये एक्सपेरिमेंट रियल हो रहा है। ले जनाब, 1300 का रिजर्व ले लिया है हमने, थैंक यू सो मच, मैं आपको कैश देता हूँ 2 मिनट। अच्छा जी, पेट्रोल भी ले लिया है, सैंडविच भी ले लिया है, चाय भी ले ली है, अब मैं टेंशन फ्री होके इस एक्सपेरिमेंट को आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इस चौक का मुझे नाम नहीं पता, बहरहाल ये जो भी चौक है ये फ़ज़ाइया इंटेलिजेंस से नीचे उतर के आया था। अब मैं हैसल फ्री होके, टेंशन फ्री होके एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अब बस रेंज 0 किलोमीटर आने की देरी है, नीचे चाय पड़ी हुई। तो अभी हमें मकसूद भाई ने ज्वाइन किया है रिंग रोड से हम जो हैं भाई को हमने पिक किया है, और यहाँ से अब हमारा 39 किलोमीटर की रेंज रह गई है, 25 किलोमीटर रेंज रह गई, और मकसूद भाई हमें छोड़ के जा रहे हैं। ओके मकसूद भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, रेंज जो है वो 5 किलोमीटर रह गई है, और एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जब 46 किलोमीटर की रेंज थी तो ये मैंने ट्रिप ए ज़ीरो किया था, यानी कि 46 किलोमीटर रेंज शो करके ये गाड़ी फुल मैं मंड के चला रहा हूँ 120 के 130 पे, और विदाउट इकोनॉमी मोड मैं इसको चला रहा हूँ। इकोनॉमी मोड के बगैर ये गाड़ी तकरीबन 60 किलोमीटर चल गई है और अभी भी 5 किलोमीटर रेंज शो कर रही है, और ये विद ए सी था। तो यानी कि जब ये रेंज भी आपको शो करे 60 किलोमीटर की लॉन्ग रूट के ऊपर, एक मिसाल है यहाँ 50 किलोमीटर की, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से 100 की स्पीड पर चलाएंगे तो ये लाजमी 50 किलोमीटर की रेंज जो शो करेगी 80 किलोमीटर तो चलेगी। एक तो ये चीज़ क्लियर हुई है इस एक्सपेरिमेंट में, और अभी जो ही ये रेंज 0 किलोमीटर होगी तो ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट हम उस वक्त शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट,
तो ऑफिशियली रेंज 3 किलोमीटर हो चुकी है। मैं गाड़ी रोक के मीटर बी कर रहा हूँ, मीटर बी को ज़ीरो करने लगा हूँ, ट्रिप बी को। तो जब से ये लाइट आई है और रेंज 46 किलोमीटर शो की थी, तो ये 65 किलोमीटर चल चुकी है, फुल मंड के चलाई है विदाउट इकोनॉमी मोड और विद एसी चलाई है। और ट्रिप बी ये है और ये शो कर रहा है कि तकरीबन 16 किलोमीटर की एवरेज ये मुझे दे रही थी लॉन्ग रूट पे मंड के 120 के ऊपर विद एसी। ये ट्रिप ए है और ये ट्रिप बी है। ट्रिप बी को मैं करने लगा हूँ ज़ीरो। सो ऑफिशियली रेंज 0 किलोमीटर शो होने के बाद से कितना चलेगी वो ट्रिप बी में हमें शो होगा। और तकरीबन टाइम हो रहा है जनाब 9:02, तो ऑफिशियली इस टाइम पे मैं ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूँ 9:02 पे। वैसे तो मैं 8 बजे का लगा हूँ रेंज 0 करने में, अब रेंज 0 फाइनली आ गई है तो ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट हम अब शुरू करने लगे हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल भी खर्च होता है और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, एडिटिंग का टाइम अलहदा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएँ, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी एंड आई मीन इट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएँ, शो सम लव। अच्छा जी, सो इन ऑल ऑनेस्टी मैं इसको 100 की स्पीड पर चलाऊँगा ताकि हम बेहतरीन फ्यूल एवरेज ले सकें, इकॉनमी मोड पे चलाऊंगा और विद एसी एक्सपेरिमेंट होगा, हम देखेंगे हम कितनी देर चल सकते हैं। 9:02 पे मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। मेरे माजी के तजुर्बे हैं वो मुझे यही बताते हैं कि एक कार के अंदर रेंज 0 किलोमीटर शो होने के बाद तकरीबन 8-9 किलोमीटर रिजर्व रहता है। तो अगर ये वाकई 16 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी तो उस लिहाज से इसको 130 किलोमीटर चलना चाहिए, जो अकल कहती है, जो मैथमेटिक्स कहती है। ऑलराइट, तो मैंने 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर क्रूज सेट किया हुआ है, कोई सामने चीज़ आएगी तो ही ब्रेक लगेगी और ये बड़ी ही आला एवरेज दे रही है जनाब, 16.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है भाई। 101 के क्रूज के ऊपर तो ये तकरीबन 18 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, इस लिहाज से तो ये 150 किलोमीटर चलेगी कार। अच्छा जी, फुल डिस्क्लोजर, मदर नेचर कॉल्ड तो मुझे घर आना पड़ा और तकरीबन इस दौरान मेरा 30 मिनट लगा है, ठीक है, घर आने में और वापस सेटल डाउन होने में। तो 9:54 हो रहे हैं और तकरीबन 30 किलोमीटर स्टैंड है, यहाँ से मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, काना का ये इंटरचेंज है और यहाँ से मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाईजान ये एक्सपेरिमेंट असल है, 10:05 हो रहे हैं, तकरीबन रेंज 0 किलोमीटर शो होने के बाद से ये चल चुकी है 34.5 किलोमीटर टिल नाउ। वी आर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर इन टू द एक्सपेरिमेंट और अभी कुछ ही देर में फ़ज़ाइया इंटरचेंज का एग्जिट आने वाला है और हम फाइनली फ़ज़ाइया इंटरचेंज पहुंच गए हैं, यहाँ पे रिंग रोड का अख्ताम हुआ जाता है। I am mentally prepared for a 130 km mark, कि 130 km चलेगी जब से रेंज 0 किलोमीटर हुई है उसके बाद से। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये है फ़ज़ाइया का टोकन, 10:24 पे मुझे मिला है, मुझे उम्मीद है आप इसको देख सकते हैं। एयरपोर्ट इज ऑलमोस्ट 32 km फ्रॉम हियर फ्रॉम फ़ज़ाइया इंटरचेंज। सो वी आर ऑलमोस्ट 91 km into the experiment, अल्हम्दुलिल्लाह, और एवरेज वापस 17.2 किलोमीटर पर लीटर की आ चुकी है। टाइम हुआ जाता है 10:45, क्रूज कंट्रोल पे आपका भाई चल रहा है 101-102 पे और मैं अब पहुंच चुका हूँ शालीमार बाग हसबंसपुरा के पास पास। ये लेफ्ट पे मेरे अस्करी 10 चल रहा है, जो लाहौर में रहते हैं उनको पता ही होगा है, अस्करी 10 चल रहा है लेफ्ट पे। अच्छा जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे लग रहा है ये गाड़ी रुक रही है, ये रेंज शो होने के बाद 100 किलोमीटर भी नहीं चली और जो मुझे लगता था कि ये कार तकरीबन 130 किलोमीटर चलेगी, आई वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट इट। ये गाड़ी रुक रही है, बेचारी नहीं चल रही, क्रूज कंट्रोल लगा हुआ था तो वो उसका RPM 3 पे जा रहा था कि किसी तरह पेट्रोल इसके अंदर आए और इसके अंदर पेट्रोल था नहीं। सो वेल, दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि रेंज ख़त्म जब हुई है, 0 किलोमीटर जब हुई है, ये पूरे 100 किलोमीटर चली है
और इख्तिताम पे आ गई है। मैंने अभी शदरे से यू टर्न भी नहीं लिया। वेल दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, ऐसा होता नहीं होता, सो दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। मैं इसको वापस पार्किंग पे लगाता हूँ और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। बस ज़्यादती नहीं करेंगे इसके साथ, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी वंस अगेन, जब से ये वाले पेट्रोल की लाइट आई है, जब जो यहाँ पे होता है, ये चली है तकरीबन 165 किलोमीटर्स जब से ये पेट्रोल की ये वाली लाइट आई है। और जब से रेंज 0 किलोमीटर हुई थी, ये चली है तकरीबन 100 किलोमीटर पूरे के पूरे। अगला एक्सपेरिमेंट मैं किसके ऊपर करूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।